हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हमने एक चैप्टर नंबर 9 का तीन पार्ट्स हमने क्लियर कर लिए थे, हमने तीन पार्ट्स में पढ़ लिया था। और क्लास नंबर ये 4 है हमारी, जिसमें हम लोग सस्पेंशन और कोलाइड के बारे में जानेंगे कि सस्पेंशन और कोलाइड क्या होता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग कोलाइड देख लेते हैं। देखिए बच्चों, हमारे मिक्सचर जो होते हैं ना, सॉल्यूशन जिसे हम लोग बोलते हैं, सॉल्यूशन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और उन्हीं सॉल्यूशंस में कोलाइड क्या होता है और सस्पेंशन क्या, उसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कोलाइड। कोलाइड पार्टिकल्स कंपेरेटिवली स्मॉल, 1 से लेके 200 नैनोमीटर तक, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, लगभग 1 से लेके 200 नैनोमीटर तक इनका साइज़ होता है। वहीं पे सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंपेरेटिवली लार्जर होते हैं, 200 नैनोमीटर से। सेकेंड पॉइंट, पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, यानी कि हम लोग अगर जैसे मिल्क है, मिल्क को जो हम लोग फिल्टर पेपर से छानेंगे तो हमें फ़िल्टर पेपर में कोई रेसिड्यू नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो इसके पार्टिकल्स होंगे, मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी हमारा क्या कर गए, पास आउट कर गए फिल्टर पेपर से। और वहीं पे सस्पेंशन में क्या होता है बच्चों, पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। पार्टिकल्स जो होते हैं फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। जैसे सैंड और वाटर का अगर आपने घोल बना लिया या पानी के अंदर रेत मिला लिया, देन आप उसको फिल्टर पेपर से अगर पास आउट करोगे तो उस केस में क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर पेपर में रुक जाएंगे, पास नहीं होंगे। तो सेकंड पॉइंट हमारा यही कहता है। थर्ड पॉइंट बच्चों कहता है, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज बट कैन बी सीन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग नेक्ड आई से, यानी कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको एक माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल्स कैन बी क्लियरली सीन बाय नेक्ड आई। पार्टिकल्स को हम लोग क्लियरली नेक्ड आई से देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज, पार्टिकल्स डू नॉट अंडरगो सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है बच्चों, अगर हम जो नीचे आके कोई भी चीज़ बैठ जाती है, अगर हम लोग पानी में रेत मिला देते हैं, थोड़ी देर बाद नीचे आके सेडिमेंटेशन हो जाता है, यानी रेत आके नीचे इकट्ठी हो जाती है। लेकिन कोलॉइड में ऐसा नहीं होता है। वहीं पे सस्पेंशन के केस में ये प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन की। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज फेज सेपरेशन इज आइदर वेरी स्लो और माइट नॉट हैपन। फेज सेपरेशन का मतलब होता है बच्चों, दो फेज होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, दो फेज होते हैं, एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्जन फेज होता है। एक होता है जिसके अंदर घुलाया जाता है, एक होता है जिसको घोला जाता है। तो इसमें दो फेजेस होते हैं, अभी मैं आपको फेजेस के बारे में बताऊंगा आगे। तो इसके फेजेस को हम लोग सिंपली या आसानी से या धीरे से अलग भी नहीं कर सकते, या अलग ही नहीं होता। और सस्पेंशन में क्या होता है, डिस्टिंक्ट फेज सेपरेशन कैन बी सीन। यहाँ पे आप लोगों को एक फेज दिखाई देगा, जैसे पानी में अगर तेल मिला दिया जाए तो थोड़ी देर बाद तेल जो होता है वो ऊपर आ जाता है, क्यों, और उसके बीच में एक लेयर दिखाई देती है, तो वही हमारा फेज होता है। और कोलाइड का हमारा बच्चों एग्जाम्पल है, मिल्क है, शैम्पू है, रबर है, ये सब हमारा कोलाइड का एग्जाम्पल है। और सस्पेंशन का एग्जाम्पल है मडी वाटर, यानी पानी के अंदर मिट्टी मिली हुई है, तो मिट्टी थोड़ी देर बाद क्या होगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं ऑयल एंड वाटर का। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग देख लेते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे कोलाइड के, एग्जाम में पूछ भी लेता है, तो कोलाइड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं ज़रा। तो सबसे पहले हमारा डिस्पर्स फेस, मैंने अभी कहा था आपको कि मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो सबसे पहले डिस्पर्स फेस देख लीजिए आप लोग। और डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स फेस का मतलब होता है जिसको मिलाया जा रहा है, डिस्पर्जन मीडियम का मतलब जिसके अंदर मिलाया जा रहा है, ठीक है। डिस्पर्स फेस का मतलब जिसको मिलाया जा रहा है, डिस्पर्जिंग मीडियम का मतलब जिसके अंदर मिलाया जा रहा है। और वो किस तरीके का बनेगा, जो कोलाइड होगा वो यहाँ पे लिखा है। देखिए, अगर आप गैस के अंदर लिक्विड मिलाते हैं, तो गैस के अंदर जब आप लिक्विड मिलाओगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, वो एरोसोल बनता है। गैस के अंदर लिक्विड मिलाने पे क्या बनता है, एरोसोल बनता है। एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉग, कोहरा जो पड़ता है, हवा के अंदर पानी की बूंदें होती हैं, मिस्ट हो गया आपका, नमी, क्लाउड्स, बादल हो गए, ये सब हमारा एग्जाम्पल हो गया। देन गैस के अंदर आप क्या मिला रहे हो, सॉलिड, तो तब भी एरोसोल बनेगा। एग्जांपल है स्मोक, धुएं के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं।
थर्ड वन इज लिक्विड के अंदर अगर आप लोग गैस मिलाते हो, लिक्विड के अंदर गैस मिलाओगे तो क्या बनेगा, फोम बन जाएगा, जो शेविंग क्रीम में आपने देखा होगा फोम निकलती है। और फोर्थ है आपका लिक्विड के अंदर अगर आप लिक्विड मिलाते हो तो इमल्शन बनता है, एग्जांपल है आपका मिल्क और फेस क्रीम, क्लियर। लिक्विड के अंदर अगर आप लोग सॉलिड मिलाओगे तो सॉल बनता है, उसे एग्जांपल है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर के मड, कीचड़ भी जिसे हम लोग कह सकते हैं। लिक्विड है, पानी के अंदर सॉलिड यानी कि मिट्टी मिला दिया तो क्या बन गया, मड यानी कि कीचड़ बन गया। अब सॉलिड के अंदर अगर गैस मिलाओगे आप लोग तब भी फोम बनेगा, एग्जांपल है फोम, रबर, स्पॉन्ज और प्यूमाइस। प्यूमाइस बच्चों झावा होता है, एक तरीके का पत्थर होता है बहुत हल्का सा। नेक्स्ट इज सॉलिड, सॉलिड के अंदर अगर आप लिक्विड मिलाओगे तो हमारा जेल बनता है, एग्जांपल आपने जेली खाया होगा, चीज़ हो गया, पनीर जिसे कहते हैं, बटर, मक्खन। और सॉलिड के अंदर सॉलिड का एग्जांपल है आपका सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल मतलब कलर्ड, जेमस्टोन, मिल्की ग्लास और भी बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।